ये तस्वीर देखकर शायद आपको थोड़ा ताजुब हो कि ओयो के सीईओ रितेश अग्रवाल ने सिंसान के पैर क्यों छुए। ये कोई आम रिश्तेदार नहीं है बल्कि ओयो कंपनी के टॉप इन्वेस्टर मासायोशी सन है, जिन्होंने ओयो में 45% शेयर होल्ड करते हैं। मासायोशी सन का जन्म जापान के सागा में सन 1957 में हुआ था। बचपन से ही इनकी रुचि बिजनेस में रही है और एक बार इनकी मुलाकात जापान के मैकडोनल्ड प्रेसिडेंट से हुई, जिनके एडवाइस पर उन्होंने यूसी बर्कले में बिजनेस और कंप्यूटर साइंस के लिए एडमिशन लिया। यूसी बर्कले में उन्होंने वहाँ के कुछ प्रोफेसर के साथ मिलकर एक ट्रांसलेटर बनाया और उसको शार्प को $1 मिलियन में बेचा। बाद में थोड़े और स्टार्टअप करने के बाद वो जापान लौट गए। वहाँ पे उन्होंने सॉफ्टबैंक कंपनी की स्थापना की, जो इनिशियली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी। वो ये बिलीव करते थे कि भविष्य में इंटरनेट बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने इंटरनेट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। .com के समय उन्होंने अलीबाबा और याहू जैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और अलीबाबा जिसका आज का इन्वेस्टमेंट वैल्यू $100 बिलियन से भी ज्यादा है। 2017 में उन्होंने विजन फंड की स्थापना की, जो कि $100 बिलियन का फंड है और ये फ्यूचरिस्टिक और टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। आज इस फंड ने ऊबर, वीवर, ओयो, पेटीएम जैसे कई स्टार्टअप में फंडिंग दी है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार। आपका दिन शुभ रहे।